इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम अमेज़न वर्षावन के सबसे खतरनाक प्राणियों की आकर्षक और खतरनाक दुनिया का पता लगाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, द ब्लैक केमैन। ब्लैक केमैन एलिगेटोरिडे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन का मूल निवासी है। ब्लैक केमैन का रंग गहरा काला होता है, जो उन्हें अपने निवास स्थान में घुलने मिलने में मदद करता है। इनकी लंबाई 5 से 6 मीटर तक हो सकती है। ब्लैक केमैन मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से मछली, पक्षियों, स्तनधारियों और कभी कभी हिरण या कैपिबारा जैसे बड़े शिकार को खाते हैं। मादा ब्लैक केमैन वनस्पति से बने टीले वाले घोंसले बनाती है, जहां वे अपने अंडे देती है। वे आमतौर पर लगभग 30 से 60 अंडे देते हैं और अंडे फूटने तक घोंसलों की रक्षा माँ करती है। अंडे से निकले बच्चे शिकार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। नंबर दो, जैगुआर। जैगुआर शीर्ष शिकारी है, जो हिरण और पेकेनीज जैसे स्थलीय स्तनधारियों का शिकार करते हैं। 36 से 158 किलोग्राम वजन वाली ये बड़ी बिल्लियां शक्तिशाली जबड़ों से लैस होती हैं। जैगुआर अमेज़न बेसिन के भीतर विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं, जिनमें घने वर्षावन, दलदल और घास के मैदान शामिल हैं। उनके पास शक्तिशाली जबड़े और मजबूत पैरों के साथ एक मजबूत निर्माण है, जो उन्हें घातक काटने और चढ़ाई और तैराकी में उत्कृष्टता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। उनके सुनहरे पीले कोट विशिष्ट रोसेट आकार के निशानों से ढके हुए हैं, जो वर्षावन की हल्की रोशनी में उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करते हैं। जैगुआर अमेज़न के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, जो अक्सर उन्हें शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के साथ आध्यात्मिक संबंध के प्रतीक के रूप में सम्मान देते हैं। नंबर तीन, द ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सांप प्रजातियों में से एक है, जो अपने प्रभावशाली आकार और दुर्जेय प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। ग्रीन एनाकोंडा सबसे भारी सांपों की प्रजाति है। कुछ की लंबाई 20 फीट से अधिक और वजन 200 किलोग्राम से अधिक होता है। हरे एनाकोंडा मुख्य रूप से अमेज़न बेसिन, ओरिनोको बेसिन और गुयाना सहित दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और दलदलों में पाए जाते हैं। मादा ग्रीन एनाकोंडा नर की तुलना में काफी बड़ी होती है और 20 या उससे अधिक जीवित बच्चों को जन्म दे सकती है। ग्रीन एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के पारिस्थितिक तंत्र में एक उल्लेखनीय और आवश्यक प्रजाति है, जो एक शीर्ष शिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जैव विविधता और इसके निवास स्थान के संतुलन में योगदान देती है। नंबर चार, पिरान्हा। पिरान्हा पूरे दक्षिण अमेरिका में मीठे पानी के आवासों में पाए जाते हैं, जिनमें नदियां, झीलें और बाढ़ वाले जंगल शामिल हैं। पिरान्हा अमेज़न बेसिन में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन पूरे महाद्वीप में अन्य नदी प्रणालियों में भी पाए जा सकते हैं। पिरान्हा की 30 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध लाल पेट वाला पिरान्हा है। अन्य प्रजातियों में काले पिरान्हा, सफेद पिरान्हा और सिल्वर पिरान्हा शामिल है। पिरान्हा बड़े शिकार को कुचलने के लिए समूह में शिकार करने में भी सक्षम है। नंबर पाँच, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। पॉइजन डार्ट मेंढक, जिन्हें पॉइजन एरो फ्रॉग के रूप में भी जाना जाता है, अमेज़न बेसिन सहित मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों के मूल निवासी चमकीले रंग के उभयचरों का एक समूह है। पॉइजन डार्ट मेंढक डेंड्रोबैटिडे परिवार से संबंधित है और इस परिवार में 200 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। वे आकार, रंग और विषैलापन के स्तर में बहुत भिन्न होते हैं। कुछ प्रजातियां दूसरों की तुलना में अधिक जहरीली होती हैं। पॉइजन डार्ट मेंढक अपने जीवंत रंगों और आकर्षक पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, जो संभावित शिकारियों के लिए चेतावनी संकेत के रूप में काम करते हैं। नंबर छह, इलेक्ट्रिक ईल। 600 वोल्ट के संभावित आउटपुट के साथ, जो एक इंसान को अक्षम करने के लिए आवश्यक मात्रा से 5 गुना अधिक है, इलेक्ट्रिक ईल बिजली के झटके पैदा करने की अपनी प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है। ये अविश्वसनीय गुण एक रक्षा तंत्र और शिकार को चौंका देने वाले साधन के रूप में कार्य करते हैं और यह सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को एक साथ डिस्चार्ज करने की उनकी क्षमता के माध्यम से काम करता है। ये मछलियाँ, जो 2.5 मीटर लंबी और 18 किलोग्राम भारी हो सकती हैं, आमतौर पर अमेज़न में शांत पानी की कीचड़ भरी तलहटी में रहती हैं और उनके आहार में मुख्य रूप से मछली और छोटे उभयचर शामिल होते हैं। नंबर सात,
बुलेटेंट। बुलेट चींटी अमेज़न वर्षावन और मध्य और दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्सों में पाई जाने वाली चींटी की एक बड़ी और डरावनी प्रजाति है। बुलेट चींटियां दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में से हैं, जिनकी लंबाई 1 इंच तक होती है। वे गहरे लाल भूरे रंग के शरीर और उभरे हुए वक्ष के साथ अपनी विशिष्ट उपस्थिति से आसानी से पहचाने जाते हैं। बुलेटेंट नाम चींटी के शक्तिशाली और दर्दनाक डंक से आया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके डंक मारने से ऐसा महसूस होता है जैसे गोली मारी गई हो। नंबर 8, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक ब्राजीलियाई वॉन्डरिंग स्पाइडर अपने शक्तिशाली जहर के कारण एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। यह जहर असहनीय दर्द का कारण बन सकता है और दुर्लभ मामलों में बदकिस्मत इंसानों के लिए घातक परिणाम हो सकता है। उनके पैरों का फैलाव 6 इंच तक हो सकता है। अपने शक्तिशाली जहर और संभावित चिकित्सा अनुप्रयोगों के कारण ब्राजीलियाई वॉन्डरिंग मकड़ियों ने इसके के जहर और इसके संभावित चिकित्सीय उपयोगों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं की रुचि को आकर्षित किया है। नंबर 9, बुशमास्टर स्नेक। बुशमास्टर सांप अमेज़न वर्षावन का एक और घातक निवासी है, जो अपने काटने पर पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली जहर छोड़ने के लिए जाना जाता है। यह सांप नम और छायादार वर्षावन वातावरण पसंद करता है और मुख्य रूप से निशाचर होता है। इसके आहार में मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी और पक्षी शामिल होते हैं, जिनका यह कुशलतापूर्वक शिकार करता है। बुशमास्टर विशेष रूप से सबसे लंबे विषैले सांपों में से एक है, जो लगभग 12 फीट से अधिक की लंबाई तक पहुंचने में सक्षम है। ये प्रसिद्ध वाइपर कई बार काटने में सक्षम है। यही एक कारण है कि वे इतने अविश्वसनीय रूप से घातक होते हैं। और नंबर 10, हार्पी ईगल। हार्पी ईगल अमेज़न बेसिन सहित मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करते हैं। वे घोंसले और शिकार के लिए ऊंचे पेड़ों वाले परिपक्व अबाधित जंगलों को पसंद करते हैं। हार्पी ईगल्स बड़े पक्षी हैं, जिनके पंख 7 फीट तक पहुंच सकते हैं और शरीर की लंबाई लगभग 3.5 फीट होती है। गहरे भूरे पंख, नीचे का भाग भूरा सफेद और सिर पर पंखों की एक प्रमुख दोहरी कलगी के साथ उनकी एक विशिष्ट उपस्थिति होती है। उनके पैर नुकीले पंजों से सुसज्जित हैं, जिनका उपयोग वे शिकार को पकड़ने और मारने के लिए करते हैं। अमेज़न की सुदूर प्रकृति इस बात को बढ़ा देती है कि इनमें से एक जीव कितना घातक हो सकता है, क्योंकि आपातकालीन चिकित्सा सहायता सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकती है। स्वाभाविक रूप से छोटे शिकार को मौका नहीं मिलता। इस कारण से अमेज़न वर्षावन के सबसे घातक जानवरों को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में स्थान दिया गया है। आशा करते हैं अमेज़न के इन खतरनाक जानवरों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।